नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हम चुनावी पर्व में जा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने हैं। एक वोटर होता है, उसके सामने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और माहौल और आप आसपास के लोग, बहुत से दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे वोट कास्ट किया जाए, किस तरह जाया जाए। हमारी सोसाइटी में, मैं भी पेशे से वकील हूं, सुनील छुरान मेरा नाम है, वकालत के पेशे में एक वकील सोसाइटी के एवरी वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी अच्छी जानकारियां होती हैं। मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि एडवोकेट्स बहुत जल्दी सामने वाले अपने क्लाइंट को, क्योंकि उनका एक जो आप ये समझो उनका उनका एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी उनको जानकारी हो जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उनका दिमाग सामने वाले को पढ़ने लग जाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के, बहुत ही रेनाउंड लॉयर रणधीर सिंह बदरान जी। मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे साथ अपने इस कार्यक्रम में। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोरण साहब, अच्छा डिस्कशन करने का मौका मिले आपके साथ। हाँ बगल साहब, मेरे लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे बड़े एक्सपोजर के साथी के साथ हम आज कैसी दुविधाएं फेस करता है एक वोटर, उस इश्यू पर कुछ डिस्कशन कर सकें। हमारा फोकस रहेगा बलराम साहब कि कैसे ये जो छोटी पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, अब लोकसभा का बड़ा चुनाव है और ये लोग अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं, इनको लोग वोट कास्ट करते हैं, इस क्योंकि वो कहीं पहुंचने वाला नहीं होता। अगर आप देखें तो ज्यादातर तो ये होता है कि चुनाव भी नहीं जीत रहे होते हैं, लेकिन वो जो उनको वोट कास्ट होते हैं उस वोट की क्या वैल्यू है, वो जो वोटर है उनके दिमाग में क्या होता है, वो क्यों वोट कास्ट करते हैं, क्या कोई तरीका है जिससे इसे बचा जा सके, इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। देखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत में है। हमारी 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो आज इलेक्शन के रंग में डूबी हुई है। 2024 में हमारी पार्लियामेंट का चुनाव होना, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बनने हैं, इसको लेकर पूरा बुद्धिजीवी वर्ग निष्क्रिय है और हमें चिंता है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत कैसे बनाया जाए, पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन मैक्सिम किस तरह से हो और कौन सी ऐसी पार्टी है जो मैक्सिम वोट लेकर मेजोरिटी वोट से सत्ता में आए और पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो सही मायनों में पब्लिक की जो समस्या है उनका निदान करें और सही कानून पब्लिक की बनाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और फिर रीजनल पार्टीज हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ऐसा भी प्रावधान है कि आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि हम देख के चले कि पिछले काफ़ी समय से 35% 38% वोट लेने वाली पार्टी सत्ता में रहती है, जो रिमेनिंग वोट है वो कहाँ है, किसके पास है, क्या रूलिंग पार्टी के साथ मेजोरिटी वोटर नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये वोट गई कहाँ पे? आपके पास मेजोरिटी वोट नहीं है, आप फिर भी सत्ता में हैं, और मेजोरिटी वोट कहाँ गई, वो सत्ता में नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे देश में, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो लोकसभा के चुनाव में लड़ती हैं, किसी कैंडिडेट को 10,000 वोट मिलती है, किसी को 20,000 वोट मिलती हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी एक लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेशन बड़ा गलत ट्रेंड है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार पूरे इंडिया में यदि हम देखें कोई 5,000 वोट लेगा, कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 50,000 वोट ले जाता है, वो सारा ही बैलेंस खराब कर देता है। तो वकील साहब एक थोड़ा सा, तो बेसिकली वांट टू से कि भाई पब्लिक के सामने एक लिमिटेड ऑप्शन होना चाहिए, जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके ऊपर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए और पब्लिक दो लोगों में ही चुने या तीन लोगों में ही अपना कैंडिडेट चुने, बेसिकली वांट टू से दिस थिंग। बिल्कुल सही बात है। अभी एक समय आ गया जहां पे हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात को डिस्कस करे और पार्लियामेंट में एनएक्टमेंट आए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन में अमेंडमेंट आए, ताकि जो इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, कोई आजाद उम्मीदवार है, मैं समझता हूँ उसका कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होने ही नहीं चाहिए। जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी राइट्स कर्टेल करने चाहिए। बेसिकली नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं वही लोकसभा के चुनाव में आए और एक सही रिप्रेजेंटेशन पब्लिक का पार्लियामेंट में तभी आ सकते हैं। वकील साहब, चलो वकील साहब, लेट्स सी हरियाणा।
अब हरियाणा के अंदर चुनाव है एंड वी हैव बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, देन कांग्रेस, देन जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल एंड आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो कंटेस्टिंग इलेक्शन इन कॉलिशन विद कांग्रेस पार्टी। तो हमारे पास ये सिनेरियो है। तो वकील साहब, ये पॉसिबिलिटी है कि सभी लोग दो पार्टियों में डिवाइड हो, ऐसा मुमकिन ना भी हो? लोग ऐसे भी हैं जो, माना आप चौधरी देवीलाल की सोच को मानते हैं, वो चौधरी देवीलाल की फैमिली के साथ जाना पसंद करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नया एक डिस्पेंसेशन आया आम आदमी पार्टी का नाम का, उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिवाइड होंगे। और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है कि कुछ लोग इन सबको ना सोच के किसी 6-7% को, शायद कोई इंडिपेंडेंट आदमी हो, उसको वोट कास्ट करना पसंद करें? अब तो एक नोटा, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन भी तो है। देखिए, इस तरह की जो सिचुएशन है, जैसे हरियाणा में है, एक सही निर्णय नहीं हो पाता। कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जो हरियाणा का ट्रेंड है, इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों के लोग सभी लोकसभा इलाकों में कैंडिडेट अपने खड़े कर देते हैं। कई बार वोट काटने की राजनीति चलती है, ये बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि कानून अलाउ करता है कोई भी आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, कोई छोटी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बेसिकली ये दुरुपयोग है। यदि रीजनल पार्टी के उम्मीदवार, जिनकी वोट काफी कम है, 5% 10% वोट भी नहीं ले पाते, और आजाद उम्मीदवार जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 2% 1% वोट लेता है, वो सही निर्णय पब्लिक का नहीं हो पाता। ये गलत है, कानून इस पे बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आज की जो स्थिति है, कानून अलाउ करता है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वकील साहब, क्या ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कानून बनाते हो तो आम आदमी के एक राइट को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हो? ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने 5 choices हैं और उन 5ों में से आप ना मान के एक छठी चॉइस के फेवर में जाते हो, तो ऐसा लगता नहीं कि आर्टिकल 21 की वायलेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, ये जो नेचुरल जस्टिस की जो बात है, उसके हम खिलाफ जाते नजर आएंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 21 क्या है? नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसमें जस्टिफिकेशन है, आप एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन देके इस तरह की जो वोट काटने की राजनीति है, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको राजनीति से बाहर करने की आवश्यकता है, वो क्या करते हैं? आप एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है आजाद, वो किसके साथ जाएगा? पब्लिक ने तो उसको किसी पार्टी के लिए जाने के लिए कहा नहीं। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होती है, उसमें एक अनसर्टिनिटी आ जाती है, जो पार्टी रूलिंग में है वो उस कैंडिडेट को बचाने में लगी रहेगी, बार्गेनिंग होगी, करप्शन आएगी, वो कभी भी सरकार को गिरा सकते। एक बार हमारी पार्लियामेंट के इलेक्शन सिर्फ एक कैंडिडेट के, मेजोरिटी एक कैंडिडेट पे डिपेंड थी, उसने अपने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, पूरे देश में इलेक्शन आ गया उसी कैंडिडेट की वजह से। वकील साहब, इसका दूसरा रूप ये भी तो है कि हमारी इस सिस्टम की, इस हमारे जो डेमोक्रेसी है, उसकी एक खूबसूरती है कि एक सिंगल पार्लियामेंटेरियन भी डिसाइसिव हो सकता है। Isn't it beauty of our parliamentary system? ये मैं समझता हूँ, मैं इसे रिफर करता हूँ, ये दुर्भाग्य है। इस तरह के कैंडिडेट सिर्फ राजनीति को खराब करते हैं, वो कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते जो पब्लिक चाहती है। इस तरह की राजनीति पे रोक लगाने की आवश्यकता है। जब तक कानून नहीं बनता तो पब्लिक को डिसीजन लेना पड़ेगा। जो कंटेस्टेंट है, उनमें जो कंपिटिशन में जो 2, 3 या 4 लोग हैं, उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। जो वोट काटने वाले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन लोगों को जब तक कानून नहीं बनता, पब्लिक को अवॉइड करना चाहिए, उनको वोट ना दे करके वास्तव में अपनी चॉइस 2, 3, 4 लोगों तक लिमिट तक ही रखें, ताकि सही पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन, मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जाए और जनता के हित के कानून वहां बनाए। ये आज की आवश्यकता है। आप विधानसभा में देख लीजिए, इस तरह से जो आजाद उम्मीदवार बनकर आते हैं, वो क्या भला कर सकते हैं? 5 साल यदि सरकार में 10 विधायक आजाद बन गए या 5 विधायक आजाद बन गए, तो जो रूलिंग पार्टी है, जिसके पास 5 विधायकों की कमी है, उनको संभालने में लगी रहेगी, वो बीच में समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे। पब्लिक ने उनको ये राइट तो नहीं दिया ना कि आप किसके साथ जाएं। ये पब्लिक का गलत निर्णय हो जाता है। एक आदमी अपनी पब्लिक में जो उसकी पहचान है, जो उसके सोशल वर्क है, या किसी और तरह से चुनाव तो जीत जाता है, लेकिन वो 5 साल के 5 साल पब्लिक को भुगतना पड़ता है, अनसर्टिनिटी रहती है, और सरकार सही निर्णय कई बार नहीं ले पाती। तो इस तरह के कानून देश में अभी आप देखिए, कुछ कंट्री जहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, 2-party system है, इंग्लैंड का आप उदाहरण ले लीजिए या अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, कितना अच्छा सिस्टम है वहां पे, अनसर्टिनिटी एटलीस्ट नहीं है। या आप
आज का समय जो पुराना ट्रेंड पॉलिटिशियंस का देखे है, मेंबर पार्लियामेंट का, विधानसभा के चुने हुए लोगों का मैंने देखा है, वो सारे सिर्फ इसको खराब करने का ही प्रयास करते हैं। उनसे कोई देश का हित नहीं होता, उनका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, चुनाव लड़ना लीगल राइट। वकील साहब, तो यू आर ट्राइंग टू से इज कि जो नेशनल पार्टीज हैं 2, 3, 4 जिनको आप रैंक दें, दे आर होली काउ, उनके अंदर गड़बड़ नहीं है, वो लोग होस्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकती, वो लोग जनता का नुकसान नहीं कर सकती या बैड लॉज नहीं बना सकती या उनके अंदर मोटी डिफेक्शन नहीं होती। सम ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि पार्टी की पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर जाके मर्ज हो जाती है। सो डोंट यू थिंक वकील साहब कि आप एक इंडिविजुअल को तो किसी चीज उनके राइट्स को कटेल कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग लिबर्टी टू द बिग पार्टीज टू एंजॉय द वे दे वांट टू। देखिए, समय के अनुसार कानून बदलने की आवश्यकता है। जो पुराने एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको यदि हम कंसिडर करें, सबसे पहले तो हमें साफ करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का पार्लियामेंट में जाना ही बंद हो। अमेंडमेंट कानून में करें, आजाद उम्मीदवार का क्या स्टेटस है। हम चुनाव लड़ते थे उसी में, हमें मेरे को पुरानी बात 89 की बात नहीं। बगल साहब, मैं आपको रोकूंगा, एक बार के लिए रोकूंगा। बात ये नहीं कि वो क्या कानून बनाएगा क्या नहीं कानून बनाएगा, बात फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। द स्टेप नंबर वन इज कि पब्लिक के पास एक चॉइस है, कुछ नेशनल पार्टीज है, उनके कुछ कैंडिडेट्स हैं एंड देन दे हैव एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो डोंट यू थिंक द पब्लिक हैज दिस लिबर्टी टू इलेक्ट देयर फेवर्ड कैंडिडेट? आर यू नॉट ट्राइंग टू कंटेन दैट राइट ऑफ द पब्लिक? नहीं, आप ये देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट यदि कोई कैंडिडेट बनता है, वो क्या बेटरमेंट कर सकता है? उनके पब्लिक के पास 3, 4, 5 ऑप्शन है, रिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास ऑप्शन है। यदि वो सारे ही पब्लिक की नजरों में निकम्मे है या पब्लिक की लाइकिंग में नहीं है, तो आप नोटा आपके पास है, एक कैंडिडेट आप आजाद उम्मीदवार जिता के एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पब्लिक का ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट देके पॉलिटिकल सिस्टम हमारा खराब होता है। तो मैं समझता हूँ इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की आवश्यकता है। कोई आज तक एक भी बेटरमेंट का उदाहरण कोई देश में नहीं दे सकता कि कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मेंबर पार्लियामेंट बना हो और उसने कोई देश में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया हो, उसने बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया हो, उसकी अवकात ही कोई नहीं रहती। चुनने के बाद वो क्या कर सकता है? मेजोरिटी उसके पास नहीं है, वो किसी न किसी पार्टी के साथ जाके अलायंस करेगा, बार्गेनिंग करेगा, इससे ज्यादा उसकी कोई स्टेटस ही नहीं है। अल्टीमेटली जो डिसीजन है या लॉ मेकिंग पावर है मेजोरिटी के पास है, और मेजोरिटी जो पार्टी मेजोरिटी में है वही कानून बनाएगी। माइनॉरिटी क्लास है जो दूसरी पार्टी है, उसका काम है बैलेंस बना के रखना। जो ऐसे मुद्दे हैं गवर्नमेंट के जो पब्लिक के हिसाब से ठीक नहीं, उनको हाईलाइट करें पब्लिक में जाके, उनका स्टेटस है। लेकिन एक आजाद उम्मीदवार इतना बड़ा पब्लिक मूवमेंट भी नहीं चला सकता, पब्लिक में वो एक को पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का भी काम नहीं कर सकता, बल्कि अपना उल्लू। वकील साहब वन लास्ट थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एंड आई थिंक ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है। आई नेवर हैड गॉन थ्रू एंड नेवर हर्ड एनीवन डिस्कसिंग दिस पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी जो आज आपने हमें आपसे सुनने को मिला। इट्स अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एंड न्यू थिंग वी विल गेट टू नो फ्रॉम यू। बट वन थिंग इज, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो हम जो रूल उस नंबर वन नंबर टू पार्टी जो पार्टी नेशनली रजिस्टर्ड पार्टी है उसका जो चुनाव हुआ कैंडिडेट है, दिस वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस यू विद दिस, कि उसका जो चुनाव हुआ कैंडिडेट है वो भी तो ये सारी गड़बड़ कर सकता है जो इंडिपेंडेंट चुनाव हुआ आदमी है वो कर रहा है। इजंट इट दैट पॉसिबल? सेकेंडली लास्ट वन एक इसमें मैं और ऐड करूंगा, दूसरा सम ऑफ द टाइम्स क्योंकि अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और हमने इस बात को चौधरी वीरेंद्र सिंह को बार बार कहते हुए सुना कि, और ये बात हमने रामकुमार गौतम से भी सुनी, रामकुमार गौतम वाज नॉट हैप्पी विद दी जेजेपी एंड एवरी डे और इन एवरी असेंबली सेशन ही यूज्ड टू शाउट कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसने मुझे बांध के रखा हुआ है, अदरवाइज जननायक जनता पार्टी इज नॉट डूइंग दैट विच इट सपोज टू हैड टू डू, तो मैं इसे बाहर निकल जाना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को वृंदर सिंह और ये रामकुमार गौतम हमारे सामने दोनों उदाहरण है जो पिछले 5 साल चीखते चिल्लाते रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से हम बंधे हुए हैं, अदरवाइज वी वुड हैव लेफ्ट दिस डिस्पेंसेशन। हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी। आया राम गए राम की जो राजनीति थी उसने
कंपेल किया सरकमस्टांसिस के एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी है। मैं तो समझता हूँ 100% रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यदि एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुनाव जीत कर आता है, पब्लिक ने सिर्फ उसको नहीं देखा, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है उसको देखकर चुना है, और यदि कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से किसी स्टेज पर जाकर डिफर करता है, उसको चुनाव से इलेक्शन से रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से, दोबारा इलेक्शन में चला जाए। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। कोई अच्छे उदाहरण एग्जाम्पल किसी ने क्रिएट नहीं किए। एंटी डिफेक्शन का मतलब आप देख लीजिए, जहां सरकारें गिरी हैं क्या हुआ वहां पे कहीं ना कहीं एलिगेशन लगे हैं, पैसे की लेन देन के एलिगेशन लगे, करप्शन के एलिगेशन लगे, जो विश्वासघात है पब्लिक के साथ। मैं तो चाहता हूँ 100% यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ता है उसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना चाहिए। यदि उसके कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको रिजाइन कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। कुर्सी से चिपा रहना या अपना लालच अपनी ग्रीड देखना, ये बिल्कुल ही मैं कहता हूं कि इसको हमें कंडेम करना चाहिए, और आने वाले समय में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें, जो जिस पार्टी से चुनाव जीता अपनी पार्टी के साथ ही उसको रहना चाहिए। उसकी नेशनल पार्टी है, उसकी पार्टी का अपना एक संविधान है, और पब्लिक वोट सिर्फ आजाद को देख के नहीं देती कि ये कैंडिडेट इस पार्टी का है, वो पॉलिटिकल पार्टी को भी देखती है, उसके संविधान को भी देखती है, उसकी पॉलिसीज को भी देखती है, उसकी विचारधारा को भी देखती है, तब जाके पब्लिक चुनाव करती है। जो इस बात का तर्क देते हैं, मैं इसके बिल्कुल इस तरह से सहमत नहीं हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होना चाहिए। मेरा तो विचार है, आने वाले समय में इसको उठाएंगे भी, कि 100% पार्टी के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो लोग समर्थन देते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चुनाव से पहले, यदि अलायंस होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होना चाहिए कि जब तक 5 साल की सरकार है 5 साल तक उस एग्रीमेंट से पाबंद रहेंगे। यदि कोई अपनी विड्रॉ करता है सपोर्ट किसी पार्टी से, मैं समझता हूँ उसको अपनी विधानसभा से या लोकसभा से उस पार्टी को रिजाइन करना चाहिए, वो एक बेटर सोल्यूशन है। अदरवाइज पब्लिक के साथ फ्रॉड है, पब्लिक के साथ ये बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ा धोखा है, विश्वासघात है, और पब्लिक का विश्वास कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से दूर हटता है। आज लोग क्या कहते हैं, चुनाव के बाद ये लोग क्या करेंगे, किस पार्टी का अलायंस होगा, कौन टूट के कहां जाएगी, यही हॉर्स ट्रेडिंग पूरे 5 साल चलती रहती है और सर्टेनिटी खत्म होती है। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, पब्लिक का इससे विश्वास टूट रहा है, और ये जिम्मेवारी बनती है बुद्धिजीवी वर्ग की। हमारे प्रोफेसर जो है पॉलिटिकल साइंस के हैं, एडवोकेट्स हैं, और ये संविधानिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं वो डिस्कशन करें, और पार्लियामेंट में इस तरह का बिल आना चाहिए कि अमेंडमेंट कानून में हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो, और संविधानिक अमेंडमेंट भी हमें करने पड़े तो करने चाहिए। ये देश के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। लोग आज पॉलिटिशियन को किस नज़र से देखते हैं, बहुत बुरी नज़र से देखते हैं लोग, और आज राजनीतिक लोगों की इज्जत मैं समझता हूँ गिरावट की तरफ है। जो एलिगेशन लगते हैं वो हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि ये आज चुन लिया तो कल क्या करेगा। जब तक कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे ऐसा ही चलता रहेगा देश में। तो हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम इस तरह के कानून को अमेंडमेंट करने के लिए सेमिनार आयोजित करें, पब्लिक की मीटिंग बुलाएं, विचार गोष्ठी करें, और एक ओपिनियन बनाने के बाद इन कानूनों को अभी निरस्त करने की आवश्यकता है, नए कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक में जाके चुनाव लड़ती है और मेजोरिटी वोट उसके साथ, तो पूरे 5 के 5 साल बिल्कुल सरकार चलाए और पब्लिक के काम करे। 5 साल के बाद फिर आंसरेबल है, जवाबदेह है सरकार जो है पब्लिक से। इस पैटर्न को चेंज नहीं किया जाएगा तो पब्लिक का विश्वास कम होगा देश में। सो थैंक यू बद्रान साहब विद योर वंडरफुल व्यूज, एंड आई मस्ट से दीज आर आई थिंक पहले व्यूज हैं, इससे दीज आर जेनेरिक व्यूज, किसी से पहले हमने इस तरीके से इन बातों को नहीं सुना। मुझे पूरा यकीन है जो लोग हमें शेयर करेंगे, जो सुनेंगे, आपके इन विचारों से जरूर लाभान्वित होंगे और लोग एक नए पैटर्न को सोचना शुरू करेंगे, एंड मे बी समडे विल हैव सच लॉज इन आवर पार्लियामेंट वेयर सच पीपल जिनको हम वोट कटवा बोलते हैं दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इट वॉज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू बद्रान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सरान साहब, मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, ओके ओके। थोड़ी देर बनी थोड़ा दिखा देखा ना, हाँ एंड रिकॉर्डिंग।